फ्रेंड्स, तो ये हम लोग बनारस निकल रहे हैं और मेरे साथ अश्विनी है। टाइम बताओ अश्विनी जल्दी। 6:34 हुआ है। 6:34 हो रहा है और अभी हम लोग निकले हैं और देख सकते हैं, बस हम लोग तीन ही लोग जा रहे हैं अभी। सौरभ जी भी हैं, आगे का स्टेटस मैं बताता रहूँगा। नाइट है तो अभी रास्ते का कुछ व्यू नहीं दिखाते हैं। अभी हम लोग कुसमी पहुँचे हुए हैं और रास्ते में थोड़ा सा आगे जाम लगा हुआ है, तो हम लोग सोचे हैं खाना खा लेते हैं। ढाबा का नाम है सरस ढाबा ना, आदर्श ढाबा, आशीर्वाद आशीर्वाद ढाबा, ढाबे का नाम है आशीर्वाद ढाबा। और यहाँ तो खाना वाना खा लिए कुसमी के पास में ही और ठीक ठाक खाना मिल गया था, दाल चावल रोटी वैसा। तो यहाँ खाना खा करके अब आगे निकल रहे हैं। आगे हम लोग को लग नहीं रहा है कि रात में सफर करना है, तो आगे कुछ मिल जाएगा जैसा, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है, लगभग सुबह के बज रहे हैं 5:13 हो रहा है और हम लोग हैं अभी सोनभद्र जस्ट टोल के पास। हम लोग थोड़ा सा दूरी पार किए हैं और ये थोड़ा गमछा उमछा मार लिए हम लोग पूरा यूपी वाला स्टाइल में, तो अश्विनी भी गमछा मार लिया है। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। गुड मॉर्निंग अश्विनी भाई। गुड मॉर्निंग। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ सब तरफ गलियाँ हैं छोटी छोटी। तो अभी इस होटल में हम लोग आ रहे हैं रुकने के लिए। तो ये है अपना रूम। तो हम लोग तैयार हो गए हैं। सौरभ मार दिया कुर्ता, देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। हम लोग को पता नहीं था हम लोग ब्लैक टी शर्ट में, और सोनी भाई तो हमेशा हीरो लगते ही, भूख लग रहा है कुछ खाओ करके आते हैं। यहाँ बहुत तेज गर्मी है, दोपहर का टाइम है और हम लोग पैदल पैदल भी निकले हैं। देख रहे हैं ई रिक्शा वगैरह करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा बोल रहा हूँ सोनी, कैसा लग रहा है भाई? जय यो। बनारस की गलियों में यहाँ का मजा ले। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं अंबानी लॉज। श्री राम भंडार देख रहे हैं कहाँ पास है अभी तक।
बनारस में ऐसी तंग गलियां आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, जहां फोर व्हीलर नहीं सिर्फ बाइक या पैदल ही आया जाया जा सकता है, और छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं। सुनी भाई हम लोग को ले जा रहा है गूगल की मदद से एक मिष्ठान भंडार की दुकान पे, तो को लेकर के आ रहा था यहाँ राम भंडार जो बंद है अभी, ये 2:30 बजे खुलेगा। वो क्या था भैया जो डाले फ्लेवर? कौन कौन सा फ्लेवर है भैया? इमली, नींबू, पुदीना, रेगुलर। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं टोस्ट में, वो मलाई वाला जो हम लोग बताए थे आपको, वहाँ गूगल मैप से देख के हम लोग आ गए हैं। कुछ दिखाता हूँ मैं, तो हमारे साथ भैया लोग भी हैं यहाँ। हाय हाय गाइस, और भैया लोग अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भैया हम लोग गाजियाबाद से हैं और अक्सर आते हैं तिनके यहाँ के टोस्ट वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं, स्पेशली टोस्ट खाने के आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी वही टोस्ट यहाँ टेस्ट करने आए हुए हैं मलाई वाला, और जैसे मैंने अभी दिखाया वीडियो में कि कैसा बनता है। 80 साल पुराना दुकान है, 80 साल पुराना दुकान है आप लोग सोच सकते हैं, और सिर्फ इसी के चलते लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। सेका हुआ है और ऊपर पूरा मलाई है, और ऊपर हल्का सा शक्कर का वो डला हुआ है इलायची के साथ, लगा देंगे। कितने का बोले भैया सर? कितने का? 60 रुपये। और बड़ा वाला? ये वाला 400। ऐसे बजाइएगा। ओहो हो, 400 लीजिए भैया। बनारस का पान तो सुने ही होंगे, हम लोग भी बनारस का पान ट्राई कर रहे हैं अभी। हम लोग पहुंच गए मणिकर्णिका घाट, और यहाँ अभी सावन चल रहा है इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों को मतलब चलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है इतना। और क्या है कि सावन के समय जो कांवरिया वाले लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए साइड में अलग से और रास्ता बना दिया गया है, इसलिए रास्ता और छोटा हो गया है और यहाँ पूरा जाम लग गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलने के लिए भी जगह नहीं है। ये है मंदिर का मेन द्वार जहाँ खूब ज़्यादा भीड़ हमेशा बने रहती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं रूम, थोड़ा सा रूम में फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं, इधर भी निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी 80 घाट पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ आरती जो भी होने वाला है। निकल रहे हैं, 6:30 बज चुका है। चलो भाई, लेट हो गए हैं हम लोग यार। बोट के पास जा रहे हैं अपन लोग, ये
जैकेट दे दीजिएगा। अरे भैया पूरा रखा हुआ देखिए ना, वो मन है मणिकर्णिका घाट से लेके वापस ये वहाँ लेके जाएगा, थोड़ा दूर है और ठंडा यहाँ ठीक लग रहा है तो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये था हमारा पहला दिन, और इसके आगे की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें। और हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।